बेटा लास्ट क्लास तक हम पढ़ चुके थे अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एक्सियल स्केलेटन दैट वाज द स्कल. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड कंपोनेंट ऑफ आवर एक्सियल स्केलेटन दैट इज आवर चेस्ट बोन. राइट, स्कल के ठीक नीचे हम लोग इसी पर आएंगे जो वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट पार्ट है. राइट, दैट इज योर स्टर्नम. स्टर्नम सिंगल बोन है बेटा. स्टर्नम है एक फ्लैटन्ड बोन, इसे हम चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन कहते हैं. राइट, सो इट्स कॉल्ड चेस्ट बोन और द ब्रेस्ट बोन. राइट बेटा, ये जो बोन है इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं. विच आर ऑल दोज कॉम्पोनेंट्स, डायग्राम में ही समझ ले इन्हें. ये क्या दिखा रही हूं बेटा, ये रिब्स के जुड़ने के लिए थोड़ी थोड़ी यहां पर खांच या डिप्रेशन से है. राइट, सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. ये अटैच्ड है सेकेंड पार्ट के साथ में. राइट, सो दैट्स द सेकेंड पार्ट. इसमें भी दिख रही है बेटा ऐसे डिप्रेशंस. एंड द लास्ट वन, ये एक कार्टिलेजिनस प्रोसेस है जो लास्ट में दिख रही है और धीरे धीरे करके ये ऑसिफाई हो जाती है, बोन में कन्वर्ट हो जाती है. सो दिस चेस्ट बोन हैज गॉट थ्री पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स हैं ये? ये है सबसे पहला पार्ट. राइट, इट इज कॉल्ड द मैन्यूब्रियम. और मैन्यूब्रियम स्टर्नाय बोलते हैं. दैट इज कॉर्पस. पहले पढ़ चुके बेटा, कॉर्पस का मतलब होता है मेन बॉडी. राइट, एंड दिस इज द लास्ट वन. इट इज कॉल्ड ज़िफोइड प्रोसेस. राइट बेटा, ये जो ज़िफोइड प्रोसेस है इसके बारे में यही लिख देती हूं, ये है एक कार्टिलेजिनस प्रोसेस एंड इट इज ऑसिफाइड इन एडल्ट्स. बोन में कन्वर्ट हो जाएगी टू फॉर्म ज़िफी स्टर्नम. राइट, सो दैट वॉज अबाउट द चेस्ट बोन. और इसमें जो डिप्रेशन दिख रहे हैं बेटा, दीज आर ऑल हियर, दीज आर ऑल फॉर अटैचमेंट ऑफ द रिब्स. आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पार्ट. आगे चले. थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ आर एक्सियल स्केलेटन आर आर रिब्स, जो कि 12 जोड़ी हैं, यानी टोटल मिलाकर के 24 हुई बेटा. ये एक तरीके से बेटा आप ये कह सकते हो कि एक्सियल स्केलेटन किससे बना है, इस खोपड़ी से, और नीचे लंग्स को चारों तरफ से जिस रिब केज ने, थोरैसिक केज ने ढका हुआ है, दोनों से मिलकर. अब थोरैसिक केज को बनाता कौन है? वेंट्रल एस्पेक्ट में वी हैव गॉट अ चेस्ट बोन, पीछे है हमारी वर्टिब्रल कॉलम एंड ऐसे साइड वाइज रिब्स हैं. राइट, तो दो ही एस्पेक्ट हैं, दो ही कंपोनेंट हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन के, एक हमारी खोपड़ी या कंप्लीट स्कल एंड द अदर वन इज आवर रिब केज, आई मीन द थोरैसिक केज. इज दैट क्लियर? सो रिब्स एग्जैक्टली है क्या बेटा? रिब्स कर्व्ड बोन्स हैं हमारी बॉडी की, जो कि पीछे की ओर जुड़ी हुई है वर्टिब्रल कॉलम से
और इनमें से कुछ स्टर्नम से जुड़ती हैं, कुछ अपने से ऊपर वाली बोन से ही, और कुछ का वेंट्रल पार्ट फ्री होता है। तो एक बार एक रफली इसका अटैचमेंट में एक बार आपको समझा दूं। रिब्स आर 12+12, राइट? मैं पहले लिखी दूं, दीज आर कर्व्ड बोन्स, दीज बोन्स हैव टू एंड्स। कौन कौन से एंड्स हैं बेटा? जस्ट अ मिनट। इनका बेटा एक एंड है जो कि आगे की ओर है, राइट? सो वन इज दी डॉर्स, सॉरी पीछे की तरफ जो प्रेजेंट है दैट इज द डॉर्सल एंड, जो आगे की तरफ है दैट इज द वेंट्रल एंड। जो वेंट्रल एंड है यहां पर कार्टिलेजिनस जॉइंट क्रिएट होता है, सो विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज इट इज ईदर attached to the sternum or to the rib above, press ऊपर वाली रिब से, उसको मैं डायग्राम समझाती हूँ कैसे, or can be free, right? वहीं पर जो dorsal end है पीछे की तरफ को that is attached by two articulating, articulation का मतलब था जुड़ना, right? two articulating surfaces with vertebrae present above and below its level, यानी रिब्स का एक सिरा ऊपर वाली वर्टिब्रा से और एक नीचे वाली वर्टिब्रा से अटैच्ड होगा, यानी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। थोड़ी सी कर्व्ड है इसलिए बीच में से ऐसे दिखेगी बेटा। ये है इसका वेंट्रल एस्पेक्ट, तो ये हो गई हाइलाइन कार्टिलेज, सो यहां पर कार्टिलेजिनस जॉइंट बनेगा। एंड पीछे की तरफ को ये रहे इसके आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस, दो दो सर्फेस हैं आर्टिकुलेशन के लिए, राइट? सो टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस, इसी वजह से रिब्स को कहा जाता है दो सिर वाली हड्डियां, पीछे की तरफ को दो सिर है ना अटैचमेंट के लिए, सो इट इज कॉल्ड बाय सिफेलिक बोन। इज दैट क्लियर? यहां तक ये चीज समझ में आ रही है बेटा? सो रिब्स जो है बेटा दे कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, राइट? देखो कौन कौन से टाइप्स है बेटा, देखो ये हो गया द चेस्ट बोन, थॉट प्रोसेस थोड़ी सी दूरी है इससे, और ये रही पीछे की तरफ प्रेजेंट वर्टिब्रा, राइट? तो रिब्स क्या करती हैं, दैट्स द फर्स्ट रिब, सॉरी गलत जगह जोड़ रही हूँ, पीछे वो दो वर्टिब्रल कॉलम, दो वर्टिब्रे के बीच में होगी,
दैट्स द फर्स्ट रिब, ऐसे ही पीछे की तरफ से जुड़ करके आगे पहुंचेगी. हियर वी हैव द सेकेंड रिब, यहां पर ये रही हाई लाइन कार्टिलेज जिसकी मदद से ये स्टर्नम से जुड़ी हुई है. थर्ड वन, फोर्थ, हियर वी हैव द फिफ्थ वन, ऐसे ही सिक्स्थ एंड द सेवेंथ, राइट. अब एट्थ, नाइन्थ और टेंथ जो होती हैं वो इसके ठीक ऊपर वाली रिब से जुड़ी होती हैं कुछ ऐसे. ज्यादा ही क्लोज आ गया बट ऑलमोस्ट लाइक दिस, राइट. एंड 11, 12 आर फ्री. आई गेस आई नीड टू ड्रॉ इट थोड़ा सा क्लियरली, यहीं से बना लेते हैं दोबारा से. 3, वी हैव द फोर्थ वन, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द सेवेंथ वन. राइट, एट्थ वन, नाइन्थ एंड द टेंथ वन, ठीक है बेटा. और ये रही इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ विच आर फ्री. दो द डायग्राम डजंट सीम वेरी नाइसली डन बट इट कैन डू इट्स जॉब, इट्स एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग क्लियरली. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ दीज रिब्स, दिख रही है बेटा. कुछ हैं जो कि स्टर्नम से जुड़ी हुई है, कुछ अपने से ऊपर वाली रिब से, लाइक यू कैन सी यहाँ पर ये एट्थ, नाइन्थ और जो टेंथ है ये अपने से ऊपर वाली रिब से जुड़ी हुई हैं और ग्यारहवीं बारहवीं बिल्कुल फ्री हैं. सो इसके बेसिस पर वी हैव गॉट थ्री टाइप्स ऑफ रिब्स. कौन कौन सी हैं ये रिब्स, एक बार इनके बारे में पढ़ लें. सो व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ रिब्स, सबसे पहले रिब को कहा जाता है, ऐसा जो फर्स्ट टाइप है सॉरी, उसे कहा गया ट्रू रिब्स. ट्रू रिब्स का मतलब होता है वो रिब्स जो कि अटैच्ड हैं पीछे की तरफ यानी डॉर्सली टू हमारे थोरेक्स की वर्टिब्रे, दैट मींस द थोरेसिक vertebrae and ventrally to the sternum. और इसी वजह से इस टाइप की जो रिब्स हैं उन्हें बेटा आप क्या नाम दोगे, इन्हें कहा जाता है vertebro स्टर्नल रिब्स, राइट बेटा. और इनका नंबर कौन सा है, दीज आर फ्रॉम फर्स्ट टू द सेवेंथ रिब्स, राइट. नेक्स्ट आर द फॉल्स रिब्स. फॉल्स रिब्स हैं कौन सी बेटा, फॉल्स रिब्स वो होती है, नकली रिब्स बोल रहे हैं मैंने, फॉल्स रिब्स में पीछे तो जुड़ी है पर आगे अपने से ऊपर वाली रिब्स से जुड़ी है, राइट. सो दीज आर द रिब्स विच आर अटैच्ड डॉर्सली टू थोरेसिक वर्टिब्रे एंड ventrally to the rib above. तो इसी वजह से इन्हें आप क्या नाम दोगे बेटा, इस वजह से इन्हें नाम दिया जाता है vertebro
कॉन्ड्रल, दैट मीन्स जो ऊपर वाले की काटलेट से जुड़ी हुई है ना, सो कॉन्ड्रल रिब्स। नंबर कौन सा है बेटा इनका? दीज आर फ्रॉम 8th to 10th रिब्स, यानी 8th, 9th एंड 10th रिब्स। एंड लास्ट वन, ये रिब्स वो हैं जो कि वेंट्रली फ्लोट करती रहती हैं, सो दीज आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स। राइट, तो फ्लोटिंग रिब्स हैं कौन सी? 11th एंड 12th को बोला गया फ्लोटिंग रिब्स। सो इनमें केवल डॉर्सल अटैचमेंट प्रेजेंट है, ओनली डॉर्सल अटैचमेंट विद वर्टिब्रे प्रेजेंट। आगे अटैच नहीं है, फ्री है, दैट मीन्स द वेंट्रल एंड फ्री। इसलिए इन इन बोन्स को हम क्या, इन रिब्स को क्या बोला जाएगा? देयरफॉर दीज आर कॉल्ड इन, हम कहते हैं वर्टिब्रल रिब्स। एंड ये जो रिब्स हैं, दीज आर फ्रॉम, आई मीन दीज आर 11th एंड 12th रिब्स। Is that clear? So that was the third component of our axial skeleton. आ जाते हैं बेटा axial skeleton के आखिरी component पर। Axial skeleton 80 bone से बना हुआ है, so एक massive part अभी बचा हुआ होगा, इसे कहा जाता है vertebral column, that means रीढ़ की हड्डी। ये बनी है 26 बोन्स से। जो न्यू बोन होता है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ, न्यू बोन में इट इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स। इट्स प्रीटी क्लियर फ्रॉम द फॉर्मूला, समझ में आ जाएगा आपको इससे। इसका फॉर्मूला है C7T12L5S1, विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फाई एंड CO1, विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 4। राइट, सो ये है क्या क्या बेटा? C मीन्स सर्वाइकल, That means which is present in our neck, गर्दन के पार्ट को बनाने वाला पार्ट। T is thoracic, that means chest portion में present। L है lumbar, that means the कमर। Sacral हमारी hip bone के साथ में होता है, triangular सा पार्ट। And the last one, CO, that means the coccygeal one, right? So ये अलग अलग टाइप की वर्टिब्रे हैं जो एक के ऊपर एक इकट्ठा होकर के पूरा वर्टिब्रल कॉलम क्रिएट कर देती हैं। जनरली ये जो वर्टिब्रे होती हैं, इनका स्ट्रक्चर बना कैसे होता है? हाउ आर दीज बोन्स फॉर्म्ड? एक बार इसको पढ़ ले, देखो बेटा। अगर कोई पर्सन साइड वाइज खड़ा है कुछ ऐसे, राइट, तो इसके अंदर बोन्स की बात करें तो बोन्स कैसे अरेंज्ड होंगी? इस पर्सन में ये रही एक के ऊपर एक रखी हुई वर्टिब्रे, जिससे कि पूरा का पूरा कॉलम, पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी बन के तैयार हुई। और ये है इसका स्पाइन,
राइट। ऐसे करके पूरी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। जो वर्टिब्रे जब एक के ऊपर एक रखे गए तो इनके बीच में कुशन बना हुआ है व्हाइट फाइबर्स कार्टिलेज का, और इसे नाम दिया जाता है आईवीडी। क्या बोलते हैं बेटा इसे? आईवीडी, दैट मीन्स द इंटर वर्टिब्रल डिस्क, राइट। और ये जो आईवीडी है, राइट, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। इट क्रिएट्स कुशन, ताकि किसी तरीके की चोट ना लग जाए, आपस में रगड़ ना खा जाए। कई बार जोर के चोट लगने पर यही डिस्क फिसल जाती है अपनी जगह से, जिसकी वजह से बोन्स आपस में टकराने लगती हैं, नर्व्स भी कंप्रेस हो जाती है, जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स या स्लिप डिस्क का नाम देते हैं। आई होप इट इज क्लियर, राइट। बाकी चीजों को भी लेबल कर लें बेटा। ये पार्ट है बॉडी ऑफ दी वर्टिब्रे, दिस इज कॉल्ड दी न्यूरल स्पाइन या स्पाइनस प्रोसेस भी बोलते हैं इसे। ये बीच में जो दिख रहा है बेटा ऐसे डिप्रेशन सा ऊपर नीचे, ये पूरी एक केनाल बन गई है, एक के ऊपर एक कुछ गड्ढे से हैं। जब वर्टिब्रे एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी गई तो उसके ऊपर, उसके कारण जो छेद है वो एक के ऊपर एक अलाइन हो गए और एक पूरी केनाल क्रिएट हो गई। और इस केनाल से होकर के गुजरती है, ये गुजर रही है इसके अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड, राइट। सो दिस रेड वन इज दी स्पाइनल कॉर्ड, राइट बेटा। और ये जो केनाल से दिख रही है, दिस इज नोन एज वर्टिब्रल केनाल। और ये क्या करती है? इट प्लेसेस दिस स्पाइनल कॉर्ड। यहां तक की चीज समझ में आ रही है? अब बेटा एक काम करते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं कि ये वर्टिब्रे एग्जैक्टली है कैसे। ये तो एक सेक्शन हो गया, राइट। सो मैं काम करती हूं, इसी में से एक वर्टिब्रे लिया और वर्टिब्रा लिया। वर्टिब्रे इज फॉर प्लूरल एंड वर्टिब्रा मीन्स द सिंगल वन। इसे हम इनलार्ज कर लेते हैं एंड इनलार्ज करने पर वी कैन गेट टू सी द कंप्लीट स्ट्रक्चर, राइट। एक जनरल वर्टिब्रा की बात करूं अगर मैं, तो वो तो ऐसे साइड वाइज लिया हुआ पोर्शन था बेटा। नाउ आई एम टेकिंग वन वर्टिब्रा, एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज कर रही हूं, ये साइड में से विंग्स हैं इनके एंड देर अरेंज लाइक दिस, एक के ऊपर एक स्टैक होकर के पूरा कॉलम बना हुआ है। तो मैंने एक वर्टिब्रा निकाल लिया, यानी ये रीढ़ की अगर हड्डी है तो इसमें से ऐसे कट लगाया और एक वर्टिब्रा को निकाल लिया, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है बेटा बॉडी एज यू सॉ, ये एक के ऊपर एक अरेंज थी। ये है इसके साइड में एज आई सेड कुछ पंख जैसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे ऊपर और नीचे वाले दो वर्टिब्रे के जो ये पंख जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं के बीच में रिब्स जुड़ी हुई होती हैं। एंड ये रहा वो प्रोसेस, यूने देखा था ना जो नीचे की तरफ को झुका हुआ था, यहां पर डायग्राम में ऊपर दिखाई दे रहा है, बट एग्जैक्टली लोकेशन इसकी वैसी ही होगी जैसे वहां दिख रही थी। और ये इनके बीच में एक स्पेस है, राइट। दिस इज कॉल्ड
the neural spine. बेटा इसे स्पाइनस प्रोसेस भी कह सकते हैं. ये है वो स्पेस दिस इज कॉल्ड द वर्टीब्रल फोरामन. राइट बेटा, ये जो वर्टीब्रल फोरामन है ये के ऊपर एक स्टैकअप होकर के पूरी केनाल क्रिएट कर लेगा. Arrange one over other. To form the vertebral canal, जिससे होकर के spinal cord गुजरेगी, right? And ये है बेटा transverse process. राइट, इस ट्रांसवर्स प्रोसेस के बेटा ऊपर नीचे की तरफ को स्पेसेस होते हैं जिनको हम जाइगोपोफाइसेस बोलते हैं, जिसकी मदद से ये एक के ऊपर एक जुड़े हुए हैं. राइट, सो इट हैज गॉट ऐसे यहां पर एंड ऊपर और नीचे की तरफ को दीज आर प्री एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसेस. इनकी वजह से बेटा एक के ऊपर एक ही जुड़ जाते हैं, पूरी की पूरी कॉलम क्रिएट होती है टू फॉर्म ग्लाइडिंग जॉइंट्स बिटवीन द वर्टीब्रे टू क्रिएट vertebral column. Is that clear? ये चीज समझ में आ रही है बेटा अच्छे तरीके से. So ये general vertebrae कुछ ऐसे दिखाई देते हैं. अब पढ़ लेते हैं एक एक करके सारे जो vertebrae हैं उनके बारे में. The very first type is called the cervical vertebrae. काउंट है इनका 7. सबसे छोटी होती हैं बेटा ये. राइट, गर्दन के पार्ट में प्रेजेंट हैं. ये भी दो टाइप्स की होती हैं. कौन कौन सी? फर्दर टू टाइप्स हैं इनके. एक को बोला जाता है द टिपिकल वन, यानी नॉर्मल जो सर्वाइकल वर्टीब्रे जैसी होनी चाहिए. एंड अदर वन इज ए टिपिकल वन. राइट, सो व्हाट्स द डिफरेंस? टिपिकल यानी जनरली जैसी होनी चाहिए. टिपिकली जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं वो कुछ ऐसी दिखाई देती हैं बेटा. ये तो हो गई बॉडी. राइट, ये स्पाइनस प्रोसेस उठी यहां से या न्यूरल स्पाइन. पर इनका न्यूरल स्पाइन दो पार्ट्स में बटा हुआ होता है. सो दे शुड हैव बायफिड स्पाइन, दैट मीन्स अ बायफिड न्यूरल स्पाइन, दो पार्ट्स में बटा हुआ. और छोटा होगा इनका ट्रांसवर्स प्रोसेस, और इस ट्रांसवर्स प्रोसेस में भी छेद होते हैं जिसको बोला जाता है द ट्रांसवर्स फोरामन. Right, this transverse foramen is for the passage of vertebral artery. इसी से होकर के vertebral artery ऊपर की तरफ को attached है. For passage of vertebral arteries. Is that clear? तो typically ऐसी होती है. वहीं पर एटिपिकल में ये नहीं पाई जाएंगी. एटिपिकल है कौन कौन सी बेटा?
The first one is your C1, that means the first cervical vertebrae, जिसे कहा जाता है atlas. Atlas की speciality क्या है? Atlas दिखती है कुछ ऐसी. राइट, सर दो दो छेद हैं. राइट, वन इज फॉर वन इज द वन, यहां पे सॉरी दिखाना भूल गई मैं इस चीज को, ये तो रहा. द वर्टीब्रल फोरामन, बेटा ये तो रहा इसका वर्टीब्रल फोरामन. इसके अलावा इसके पास एक स्पेशल स्पेस होता है जिसको नाम दिया जाता है ओडोन्टॉइड फोसा. ये जो ओडोन्टॉइड फोसा है, जो छेद दिख रहा है बेटा, ये नीचे प्रेजेंट जो बोन है द एक्सिस, उसके ऊपर निकली हुई एक प्रोसेस है जिसको हम ओडोन्टॉइड प्रोसेस बोलते हैं, उसको जगह देता है. राइट, तो पहले एक बार इसी के बारे में लिख लें. जब ओडोन्टॉइड प्रोसेस पढ़ेंगे तो ये फोसा साथ के साथ समझ में आ जाएगा. सॉरी, मैंने यहाँ पे शायद स्पेलिंग गलत की हुई है एटलस की. ये रही एटलस, यहां तक चीज समझ में आ रही है बेटा. सो एटलस की स्पेशियालिटी क्या है? डायग्राम से कुछ चीजें पता चल गई. इसके पास ना तो बॉडी या कॉर्पस भी नहीं है, नो बाइफिड स्पाइन, बाइफिड न्यूरल स्पाइन, राइट. इसके अलावा इट हैज बाकी चीजें हैं, सॉरी इसमें ये रहा ट्रांसवर्स फोरामन, वो तो प्रेजेंट हो गई. इट हैज ओडोन्टॉइड फोसा टू प्लेस ओडोन्टॉइड प्रोसेस ऑफ C2, दैट इज द एक्सिस. तो बेटा जब ये इसके अंदर आके फंसेगा, जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें एक मान्यता है कि डेथ के बाद में आत्मा यहां रह जाती है. जनरली होता क्या है, एक्सिस के ऊपर इस तरीके की प्रोसेस है और ऊपर एटलस जो उसमें ऐसा छेद है, तो ये दोनों एक दूसरे वाले से प्लेस हो जाएंगे. ये वो जॉइंट है जो कि कुछ इस तरीके से बना हुआ कि एक खूंटा या पाइवोट है, इसके ऊपर दूसरी बोन रखी गई और इसी के ऊपर हम गर्दन को साइड वाइज टर्न कर पाते हैं, रोटेटरी मूवमेंट या नो कह पाते हैं. राइट, सो इट इज द नो जॉइंट. जैसा एटलस और ऑक्सीपिट के बीच में था यस जॉइंट, ऐसे ही एटलस और एक्सिस के बीच में देयर इज नो जॉइंट. इज दैट क्लियर बेटा? इसी समझ में आ रही है. इसी को आत्माराम भी कहते हैं, जो पुराने जितने भी धर्म ग्रंथ हैं या कई ब्राह्मण्स अभी भी इस बात को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करते हैं कि दिस इज योर आत्मा. बेसिकली बोन है जो कि इस तरीके से दिखाई देती है, एज इफ अ पर्सन इज सिटिंग देयर. राइट, सो द ओडोन्टॉइड फोसा एक स्पेस है जो कि प्लेस करता है ओडोन्टॉइड प्रोसेस ऑफ C2 को, एंड इट फॉर्म्स पाइवोट जॉइंट कॉल्ड एटलेंटो एक्सियल जॉइंट और यस जॉइंट. क्या बोलते हैं बेटा इसे? यस जॉइंट, क्योंकि इसी के अराउंड नेक रोटेट कर रही है. इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे, दैट इज C2. बेटा C2 को कहा जाता है एक्सिस. इसकी स्पेशियलिटी क्या है? अनलाइक अदर बोन्स, इट हैज ओडोन्टॉइड
प्रोसेस, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, दे कॉल इट डेंस. एंड द लास्ट वन इज C7. इसके अलावा बाकी सारे टिपिकल हैं. C7 में क्या स्पेशलिटी है बेटा? C7 के पास बायफिड स्पाइन नहीं होता, दैट्स द ओनली थिंग. सो बायफिड स्पाइन इज एब्सेंट, बट देयर इज वन थिंग विच इज एडिशनल. इसके पास रिब्स जुड़नी शुरू हो जाती है यहीं से. पहले रिब इसी पे जुड़ती है, तो उसके नीचे वाले सरफेस पर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, उसके नीचे वाले सरफेस के ऊपर आर्टिकुलेटिंग फैसेट होगा या आर्टिकुलेटिंग फेस होगा, सरफेस होगा. इट हैज कोस्टल, कोस्टल मीन्स रिलेटेड टू द रिब्स, ये पढ़ चुके हो अंडर रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो कोस्टल फैसेट या आर्टिकुलेटिंग फैसेट फॉर अटैचमेंट ऑफ फर्स्ट रिब. समझ में आ रही चीज बेटा? जनरली यही वो पार्ट है जहां पर टिपिकल एटिपिकल आपको अलग पढ़ने की जरूरत पड़ती है. दो देर आर फर्दर भी एटिपिकल वर्टिब्रे हैं बाकी टाइप्स में भी, बट दैट्स नॉट रियली नीडेड. राइट, मूविंग अहेड, द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड थोरैसिक वर्टिब्रे. बेटा थोरैसिक वर्टिब्रे आर 12 इन नंबर. ये वो हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं इन फॉर्मिंग आर थोरैसिक केज, रिब केज. राइट, द नेक्स्ट वन the lumbar vertebrae, कमर के पार्ट में है. these are 7 in number, sorry 5 in number, right? so these are present in our lower back, वजन उठाती हैं. so these are the largest and वेट को उठाने वाली, दैट मीन्स द वेट बियरिंग वर्टिब्रे. राइट बेटा, लास्ट वन, सॉरी द फोर्थ वन इज द सेक्रल वर्टिब्रे. बेटा सेक्रल वर्टिब्रे ट्रायंगुलर होती है फ्यूज होने के बाद में. सो यहां पर होता क्या है, 5 sacral vertebrae fuse to form one triangular sacrum, right? और ये जो sacrum है बेटा, it is present पीछे की तरफ को है बेटा ये. राइट, रिब्स वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है. इसके साथ में हमारा जो हिप जॉइंट है उसका कुछ बोन्स, द प्यूबिक बोन्स, वो पीछे की तरफ को आकर के इसके साथ जुड़ती हैं. प्रेजेंट इन द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ पेल्विक गर्डल. क्लियर, ये चीज समझ में आई बेटा? आगे चल रहे, द लास्ट वर्टिब्रा, इनफैक्ट द वर्टिब्रा दैट इज द कोकीजियल वर्टिब्रा. चार कोकीजियल वर्टिब्रा मिलती है न्यूबॉर्न में. They fuse to form single coccyx. So what is coccyx exactly? Coccyx है बेटा टेल बोन. हमारे में तो किसी काम की है नहीं ये. That is the tailbone.
और हम में ये एक वेस्टिजियल पार्ट है, इट्स नॉट ऑफ एनी यूज, सो इट इज द वेस्टिजियल पार्ट और द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी. With this, we are done with the axial skeleton. Next class, we'll padhte hain beta about the appendicular skeleton. I hope it is clear. So, axial skeleton has got which all parts? It's got the first part, the skull. The next part is skull ke niche present jo thoracic cage banane wale components hain. The very first one is your chest bone or the sternum. Next one are the ribs, which are forming this complete thoracic cage. And last one is your vertebral column, that means the reed ki haddi. Yeah, ek cheez main usme aur mention kar sakti hu aapke liye. Wo ye ki beta jo vertebral column hota hai uska ek fixed curvature hai. Is cheez ko main yahan mention kar dun. ताकि आपको समझ में आए कि इसलिए सीधा बैठना, सीधा चलना, सीधा मतलब सही पोस्चर में सोना, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, दैट मींस व्हाई इज एर्गोनॉमिक्स सो मच इम्पोर्टेंट, राइट? सो वी टॉकिंग अबाउट द कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. एक फिक्स्ड कर्वेचर है, मान लो ये पर्सन की गर्दन इस तरफ को है, राइट? गर्दन के पार्ट से शुरू करें तो गर्दन में हल्का सा ऐसा कर्वेचर है. देन दिस इज द थोरैसिक कर्वेचर, दिस इज द लंबर कर्वेचर, एंड नाउ द सेक्रम, राइट? सो दिस इज the cervical curvature, which is normally present this way, and this is the lumbar curvature. Right? That's the normal one. There can be certain changes. कई बार क्या होता है बेटा, though this doesn't look very nice, ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, इतना कर्वेचर नहीं होता, कुछ ऐसा,